कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाले लैंगिक उत्पीड़न के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से भिलाई नगर निगम के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में महिला और बाल विकास विभाग के सुरक्षा अधिकारी प्रीति बाला शर्मा और न्यायालय के अधिवक्ता उमा भारती साहू सहित सामाजिक कार्यकर्ता और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुईं। इस दौरान वक्ताओं ने महिलाओं को लैंगिक अपराधों के प्रति जागरूक करने के साथ ही लैंगिक सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी। महिला बाल विकास विभाग के सुरक्षा अधिकारी प्रीति बाला ने बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा। महिलाओं के कार्यस्थल पर उनको सुरक्षा देने के लिए 2013 में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 आया है, उसके अकॉर्डिंग सारे कार्यालयों में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना है और साथ ही साथ यदि जिले लेवल का कोई शिकायत है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के खिलाफ शिकायत है या जहां आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं हुआ है वहां पे स्थानीय समिति का गठन किया गया है, उसमें कंप्लेंट कर सकती हैं। दुर्ग सत्र न्यायालय की अधिवक्ता उमा भारती साहू ने बताया कि अपराधों की प्रवृत्ति के अनुसार इस अधिनियम में सजा का प्रावधान रखा गया है और महिलाएं आंतरिक समिति में इसकी शिकायत कर सकती हैं। किसी भी प्रकार का अगर यौन उत्पीड़न हो रहा है तो वो उसके खिलाफ अपनी आंतरिक समिति में, जो आंतरिक समिति है वो उसी कार्यस्थल पर बनाई जाएगी और वहीं के जो महिला अधिकारी हैं वो उसके मेंबर्स बनेंगे और उसमें एक बाहर का मेंबर रहता है, तो उनके पास उनकी शिकायत की जा सकती है। लिखित में आप शिकायत करेंगे और उस पर कार्रवाई होगी, जिस तरीके के कोर्ट में होते हैं कि बयान होगा और दोनों पक्षों को सुना जाएगा और उसके बाद उसमें सजा होगी। तो सजा जो है वो उसमें हर डिपार्टमेंट में एक रूल्स बना रहता है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का, उसमें जो सजा दी जाती है उस तरह की सजा उसमें भी प्राप्त होगी। कार्यशाला के दौरान महिलाओं द्वारा पूछे गए सवालों का वक्ताओं द्वारा जवाब दिया गया।